आज की वीडियो में हम कर रहे हैं गणतंत्र दिवस का भाषण। गणतंत्र दिवस पे भाषण बच्चों को किस प्रकार से देना चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहली लाइन लिखी है, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। यह है हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगली लाइन है, 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारा देश इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश में बदल गया था। यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब से ही हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश बन गया था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसी भी देश का इतना बड़ा संविधान नहीं है जो कि लिखा हुआ है। भारत का संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा, और तिरंगा झंडा राष्ट्रपति के द्वारा लाल किले पर फहराया जाता है। आगे हमने लिखा है, गणतंत्र दिवस देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उस दिन हमारे देश में हम एकजुट हो जाते हैं और अखंड भारत का निर्माण करने में के लिए जो योगदान चाहिए उसकी हमें प्रेरणा मिलती है। यानी कि गणतंत्र दिवस से हमें एकता और अखंडता बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे हमारे कंट्री में, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह समस्त देशवासियों के लिए बड़े ही गर्व का अवसर होता है। सबको अपने देश पर गर्व होता है। ये ऐसा अवसर होता है, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। थैंक यू।